नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान जारी, पुलिस ने कन्या स्कूल में बच्चों को किया जागरूक। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी प्रवीण कुमार भूरिया के मार्गदर्शन व एसडीओपी के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के चलते कार्यवाही करते हुए पुलिस के द्वारा अवैध मादक पदार्थ बेचने व नशा करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही स्कूल कॉलेजों व गांव में जाकर पुलिस के द्वारा नशे कोई दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ शपथ दिलाई जा रही है। प्रभारी सूबेदार गायत्री अटोरिया के द्वारा आदर्श नगर स्थित एकीकृत शाला शासकीय कन्या उत्कृष्ट माध्यमिक स्कूल में जाकर बच्चों को नशे के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही नशा ना करने की समझाइश व शपथ दिलाई गई। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया। साथ ही लोगों को नशा मुक्ति के हेल्पलाइन के संबंध में जानकारी दी। मैम, आज जो आदर्श नगर में कन्या स्कूल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपके द्वारा चलाया जा रहा है, क्या कुछ प्रोग्राम है और क्या कुछ बच्चों को समझाया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारे एसपी साहब के निर्देशन में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें बालिकाओं की सुरक्षा, बच्चों के अधिकार, जिसमें चाइल्ड लाइन की भी हमने जानकारी दी, नशे पे प्रहार, किसी प्रकार का नशा कोई करता है, बेचता है, तो सभी प्रकार की इन पे कार्रवाई करने के लिए, तो बच्चों से हमको जानकारी भी मिलती है कि कहाँ पे किस प्रकार की स्थिति एक्चुअल जाता है। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि आजकल हाईकोर्ट का भी आदेश है कि सभी लोग हेलमेट लगा के निकलें, और बच्चे चूँकि भोला मन रहता है और माता पिता उनसे दिल से जुड़े रहते हैं, तो वो अपने माता पिता को बोलेंगे तो उनकी बात टालेंगे नहीं, तो इसीलिए हमने बच्चों को टारगेट किया है कि वो अपने घर में जागरूकता फैलाएँ। और उनके मन में पुलिस को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं, तो सीधा कनेक्शन रहेगा बच्चों से पुलिस का हमारे थ्रू, तो उनके डर का माहौल भी ख़त्म होगा और पुलिस को वो सहयोग भी कर पाएंगे। बच्चों ने भी कुछ प्रश्नों के जवाब आपसे पूछे, इस बारे में बताएं। बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछे और हमने उनके जवाबों को देने के बहुत सार्थक प्रयास भी किया है, तो और अच्छा भी लगा हमें ये जान कर के बच्चे सवाल पूछते हैं, तो यानी कि वो इस चीज़ से कोरिलेट कर पा रहे हैं कि हम जो उन तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं बच्चों को, वो उन तक पहुंच रहा है।